तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नुबिया के गेमिंग स्मार्टफोन की, मतलब नुबिया रेड मैजिक 3 अभी इस फिलहाल इंडिया में मई के महीने में लॉन्च होगी, जिसके मैंने जिक्र आपको अपकमिंग स्मार्टफोन के लिस्ट में आपको बताया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस नुबिया के स्पेसिफिकेशन, लीक्स और इसके रूमर्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑल। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आपके लिए लेकर आऊं तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए चलते। जो ये नुबिया का रेड मैजिक 3 होगा, स्पेशली जो शाओमी का गेमिंग स्मार्टफोन है ब्लैक शर्ट 2, उसके साथ ये स्मार्टफोन कंप्लीट करेगा। तो ये नुबिया का रेड मैजिक 3 है, जिसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा वो आपको 6.16 इंच का आपको एपीजी प्लस का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर देखा जाए तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें वो जो जीपीयू मिलता है वो आपको कायो का आपको 485 का जीपीयू मिलता है और साथ ही जो ग्राफिक कार्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए, जो एड्रेनो का 640 का आपको ग्राफिक कार्ड इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन में जो आपको कैमरा मिलता है, आपको रियल में सिंगल कैमरा मिलता है, जो आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है इस स्मार्टफोन देखने को मिलता है, जो 1.7 एपर्चर रेशियो पे बेस है। और साथ ही फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट रियर कैमरा मिलता है, जो आपको 2.2 एपर्चर रेशियो के साथ बेस है। तो इस स्मार्टफोन में आपको जो रैम रोम मिलती है वो आपको 6GB 64, 6GB 128 और आपको 8GB 128 और 8GB आपको 256, ऐसे कुछ वेरिएंट के साथ आपको ये नुबिया का रेड मैजिक 3 इंडिया में लॉन्च होगा। तो अभी स्मार्टफोन की बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000mAh की आपको बिग बैटरी देखने को मिलती है, जो 27W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और इसमें आपको टाइप सी मिलेगा, जो मेरे हिसाब से 27W का चार्जिंग गेमिंग स्मार्टफोन के लिए एक बढ़िया ऑप्शन होता है नुबिया के रेड मैजिक 3 के लिए। तो अभी स्मार्टफोन की हम बाकी सेंसर और अदर फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको एंड्रॉइड 9 का OS देखने को मिलता है और साथ ही आपको इसमें सेंसर मिलता है जो 3.5mm जैक देखने को मिलता है, जो स्पेशली बाकी के स्मार्टफोन में अभी ट्रैशी लेवल का स्मार्टफोन में नहीं दिखाई देता। और साथ ही आपको फिजिकली आपको इसमें रेयर की तरफ से आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है इस नुबिया के रेड मैजिक 3 में। और साथ ही इसमें आपको जो डिजाइन मिलेगा उसमें ऑब्वियसली आपको गेमिंग स्मार्टफोन है तो इसमें आपको RGB लाइटिंग मिलेगा और साथ ही इसमें आपको कॉपर ट्यूब का आपको कूलिंग सिस्टम मिलेगा, जो आपके गेमिंग स्मार्टफोन के लिए ठंडा रखने के लिए हेल्प करेगा। और साथ ही स्मार्टफोन में आपको जो सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन भी इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस करते हैं, क्योंकि इंडिया में स्पेशली प्राइस के ऊपर स्मार्टफोन लिए जाते हैं। तो इस स्मार्टफोन जो प्राइस होगी आपको 30,000 के साल होगी और साथ ही 45 या 50 तक इसकी प्राइस जा सकती है इस गेमिंग स्मार्टफोन की। तो ये स्मार्टफोन इंडिया में मई के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में लॉन्च हो सकता है इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये गेमिंग स्मार्टफोन पसंद आएगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस गेमिंग स्मार्टफोन की वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए होगा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि जब मैं ऐसे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज आपके लिए लेकर आऊं तब आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।